इस वेले की खबर सामने आई है कि बैंकों नूं लैके हुण सुप्रीम कोर्ट ने एक वड्डा झटका दिता है। बैंकों नूं एक वड्डा झटका लगा है तो आम लोगों लिए एक वड्डी राहत वाली खबर है। तो जिहड़े व्यक्ति हुण बैंक दे विच्चों लोन लै रहे ने तां उन्हां नूं हुण फ्रॉड नहीं ऐलानिया जाएगा, उन्हां दा पक्ष सुने बगैर। सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया तो अपने आप दे विच एक बहुत ही वड्डा फैसला जिहड़ा आ लिया गया है कि जिहड़े व्यक्ति लोन लैंदे ने बैंक चों जां उन्हां दीआं किश्तां नहीं उतार पाउंदे तां उन्हां नूं फ्रॉड नहीं ऐलानिया जाएगा, उन्हां दा पक्ष सुने बगैर। यानी कि हुण सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर दे उत्ते बैंकां नूं इह हदायतां जारी कर दित्तियां गईआं ने कि जेकर कोई भी व्यक्ति बैंक दे विचों लोन लैंदा है तो उसकी पहला सुनवाई होगी, उसका पक्ष सुनिया जाएगा तो बाद दे विच ही कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि लोगों के वलों ये शिकायत जरूर की जाती है कि जो वो बैंक दे विचों लोन लेंदे ने तो जदों कर्जा उतारन दे लई वो किश्ता देंदे ने, जो एक महीने दो महीने किश्ता नहीं दे पाते तो उन्होंने फ्रॉड ऐलान दिता जाता है। पर हुण उसे दी सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रख दे हुए ते गुजरात दे हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जेकर कोई व्यक्ति बैंक दे विचों लोन लैंदा है तो उसका पक्ष पहला सुनिया जाएगा, बाद दे विच उसनू फ्रॉड ऐलानिया जाएगा। तो नाल दे नाल ये भी कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसनू एक बार फिर तो पढ़िया जाए तो फिर ही कोई एक्शन जड़ा आ लिया जाए। क्योंकि आम लोगों के वलों अक्सर ही अजिहिया परेशानियां दा आम लोगों नूं सामना करना पै रहा सीगा कि जदों लोन लेंदे ने तो उसका कर्जा उतारन दे लई किश्तां कीतियां जांदियां ने बैंक दे नाल, जदों एक महीने दो महीने लगातार उन्हां दे वलों जदों किश्त नहीं दित्ती जांदी तां बैंक दे वलों उन्हां दे खाते नूं या उन्हां नूं फ्रॉड ऐलान दित्ता जांदा है। तो हुण सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पक्ष दे विच फैसला लेंदे हुए एक गल आखी है, सीधे तौर दे उत्ते बैंकां नूं इह हदायतां जारी कर दित्तियां गईआं ने कि जिहड़ा व्यक्ति बैंक तों लोन लैंदा है तां उसदा पहला पक्ष जरूर सुनिया जाएगा, तां उसनूं फ्रॉड श्रेणी बंद दे विच नहीं रखिया जाएगा, नहीं ऐलान दिता जाएगा। तो एक गल जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों आखी गई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच अज सुनवाई हुई है इस फैसले की, तो सुनवाई के दौरान ही तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले नूं बरकरार रखते हुए तो गुजरात हाई कोर्ट के फैसले नूं रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जेकर कोई भी आम व्यक्ति बैंक दे विचों लोन लैंदा है उसका कर्जा नहीं उतार पाउंदा तो उसका पक्ष सुने बगैर उसनूं फ्रॉड नहीं ऐलानिया जाएगा। तो बैंकों के लिए एक वड्डा झटका दिता गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों नूं जिथे वड्डा झटका दिता है तो उत्थे ही आम लोगों नूं एक वड्डी राहत दिती गई है। क्योंकि अक्सर ही कई बार अजिहा हुंदा है कि किसी मजबूरी के कारण किश्तां नहीं दे पाउंदे आम लोग, तो जिस तों बाद बैंक दे वल्लों उन्हां दे खाते नूं फ्रॉड ऐलान दिता जांदा है। तो हुण उसे ही पक्ष दे विच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह वड्डा फैसला सुनाया, बैंकों नूं सीधे तौर दे उत्ते यह हदायतां जारी कर दित्तियां गईआं ने कि जिहड़ा वी व्यक्ति बैंकों विचों लोन लैंदा है, जदों उसका कर्जा उतारदा है, जदों किश्तां चल रहियां हुंदियां ने तां उसका पक्ष सुने बगैर उसनूं फ्रॉड नहीं ऐलानिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वड्डा फैसला लिया, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले नूं बरकरार रख्या है, तो गुजरात के हाई कोर्ट के फैसले नूं रद्द करते हुए एक वड्डा फैसला, तो बैंकों नूं सीधे तौर के उत्ते हदायतां जारी कर दित्तियां गईआं ने। जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह तां इक्को इक राह एनआरआई मैरिज ब्यूरो। NRI Marriage Bureau. Find your perfect human.